Good morning students, today we are going to start chapter 7 that is snakes. आज हम chapter 7 start करेंगे. Chapter का नाम है snakes, means सांप. We see different kinds of creatures around us, some are small, some big, some crawl, whereas some run very fast. हम अपने आस पास बहुत काइंड के मतलब कई प्रकार के क्या देखते हैं, क्रिएचर्स देखते हैं, मतलब जीव जंतु पाए हमारे आसपास क्या होते हैं, पाए जाते हैं. सम आर स्मॉल, उनमें से क्या होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं. तो वहीं कुछ रेंग क्रॉल मीन्स तो वहीं कुछ रेंगने वाले क्रिएचर्स होते हैं, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा रन वेरी फास्ट मीन्स बहुत ही तेज़ दौड़ने वाले क्रिएचर्स होते हैं. There are some animals whose name itself scares people. One of them is the snake. वह उसी कुछ creatures में, वही कुछ some animals में, कुछ जानवरों में का नाम हमें क्या सुनते ही क्या हमें डर लग जाता है, हम स्केयर मतलब लोग डर जाते हैं. One of them is the snake. उनमें से एक है सांप. After all, what is there in a snake? आखिर क्या है, मतलब आखिर आफ्टर ऑल मतलब आखिर क्या है स्नेक्स में, ऐसा मीन्स सांपों में ऐसा क्या है. वाई आर वी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, सांप से हम क्यों डरते हैं, क्यों स्केयर्ड मीन्स डरते हैं. वी आर स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस. हम सांपों से इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्नेक्स हैं जो पॉइजनस होते हैं, मींस जहरीले सांप होते हैं, ताकि वो काट ना ले, इसलिए ज़्यादातर लोग सांपों से इस वजह से डरते हैं. सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू स्नेक्स लिव, सांप कहाँ रहते हैं. स्नेक्स लिव इन फॉरेस्ट होल्स बीनीथ द स्टोन्स वाटर एट्सेट्रा. सांप कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में, होल्स मतलब उनके जो बील होता है उसमें, बीनीथ द स्टोन स्मिथ पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे रहते हैं, और पानी में और एक्सेट्रा बहुत सारी जगह में रहते हैं. ड्रॉ अ स्नेक यू हैव सीन, अगर जो भी तुमने सांप देखा होगा उसको क्या कर बोल रहे हैं कि ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं. नेक्स्ट इज, हैव यू एवर कम अक्रॉस अ स्नेक इन योर हाउस और योर फ्रेंड्स हाउस और इन द नेबरहुड. क्या कभी तुम्हारे घर में, किसी फ्रेंड के घर पे मतलब दोस्त के घर में, या किसी नेबरहुड में मींस पड़ोस के घर में स्नेक निकला है, मतलब सांप निकला है क्या. सेकंड पूछे हैं, इफ अ स्नेक इज सीन इन अ हाउस व्हाट डू पीपल डू टू चेज इट आउट. अगर घर में सांप निकल जाता है, तो घर में अगर कोई सांप आ जाता है तो उसे भगाने के लिए क्या क्या करते हैं. थर्ड बोल रहे हैं कि व्हाट डू पीपल डू इफ अ स्नेक बाइट, डिस्कस एंड राइट. सांप के काटने पर जो लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, डिस्कस करके लिखने बोल रहे हैं. ये सभी के आंसर आप खुद से फाइंड करके लिखेंगे. नेक्स्ट इज, यू योर सेल्फ मस्ट बी हैविंग सेवरल क्वेश्चंस इन योर माइंड रिगार्डिंग स्नेक्स. सांपों को लेकर क्या है, तुम्हारे मन में भी क्या होगा, बहुत से क्या आ रहेंगे, क्वेश्चंस आ रहे हैं. सेवरल क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे भी माइंड में आ रहे होंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ सम सच क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड. ऐसे ही जो कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में आते हैं, तो उनको लिखो. नेक्स्ट इज, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर्स और एल्डर्स एज टू हाउ मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन योर एरिया. अपने टीचर से या किसी किसी घर में हो बड़े हो, उससे पता करो कि तुम्हारे यहाँ कितने तरह के, मतलब हमारे पास कितने तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड हियर, लाइक बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो लाइक मतलब कौन कौन से हैं, वाटर स्नेक, पिटपिटी, करेत, अजगर, टू मुआ स्नेक एंड ग्रीन स्नेक एट्सेट्रा, और कई तरह के क्या है स्नेक्स भी पाए जाते हैं. कैन स्नेक हियर, नो स्नेक्स कैन स्नेक हियर मीन्स क्या सांप को सुनाई देता है, स्नेक्स को सुनाई देता है. नो स्नेक्स कांट हियर एनीथिंग, नहीं सांप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वो उनमें क्या होते हैं, ईयर नहीं होते उनके, उनमें वो हियर नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ नहीं सुन सकते हैं.
Have you ever seen a cobra who seems to be dancing to the flute played by the snake charmer? Snake charmer means सपेरे को बोल रहे हैं जो सांप लेकर आते हैं. देखोगे वो बीन बजाते, फ्लूट मींस बीन बजाते हैं. तो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई सपेरा मींस जो स्नेक चार्मर है वो कोई कोबरा लेकर आता है, मींस जो स्नेक है वो लेकर आता है और उसके सामने क्या करता है, फ्लोट प्ले करता है, मींस जो क्या है बीन बजाता है और क्या करता है, फिर वो जो स्नेक है वो अपना फन फैलाकर नाच रहा है ऐसे, मतलब डांस कर रहा है ऐसे दिखाई देता है. डू यू थिंक स्नेक्स कैन हियर, क्या आपको लगता है कि सांप को सुनाई देता है? इसका आंसर हम पढ़ेंगे. एक्चुअली द कोबरा डज नॉट डांस टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट. असल में जो कोबरा होता है वो बीन की आवाज़, मतलब फ्लूट फ्लूट की आवाज़ से, म्यूजिक ऑफ द फ्लूट मींस फ्लूट की जो आवाज़ होती है, म्यूजिक होती है, मतलब जो बीन की आवाज़ होती है उस पर डांस नहीं करता है. बट इट डांसेस एज पर द मूवमेंट ऑफ द फ्लूट. वो किस लिए ऐसे मूव करता रहता है, मतलब वो अपना जो फन है वो ऐसे फैलाकर वो इसलिए मूव होता रहता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो बीन होता है मींस जो फ्लूट होता है वो हिलने डुलने को देखता है, इसलिए वो देखकर नाचता है. मतलब जब जो स्नेक चार्मर है जब वो फ्लूट बजाते हैं, मतलब मींस जो बीन बजाते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. तो इसी वजह से स्नेक भी क्या करता है, उसके मूवमेंट को देख के वो भी सेम उसके जैसे मूव करता है. एक्चुअली उसके म्यूजिक पे वो डांस नहीं करता और उसके फ्रूट के मूवमेंट को देखकर वो भी क्या करता है, अपना फैन फैलाकर स्नेक भी क्या करता है, वो डांस करता है. द कोबरा कंसिडर्स द फ्लूट अ थ्रेट टू हिम. इट कैन स्विंग इट्स हेड इवन एट द साइट ऑफ द मूविंग स्टिक और अ पीस ऑफ क्लोथ. एक्चुअली क्या होता है, कोबरा जो होता है, जो स्नेक होता है, उसको क्या लगता है कि जो बीन है मतलब जो फ्लूट है वो क्या है, उसके लिए थ्रेट है, मतलब खतरा है. जब स्नेक चार्मर जब अपना फ्लूट बजाता रहता है तो स्नेक को क्या लगता है, वो उसके लिए खतरा है, मतलब उसको डेंजर फील होता है. इसी वजह से क्या करता है, वो फन फैला लेता है और उसके जैसा वो मूवमेंट करता रहता है वैसे वो भी करता रहता है. तो यही बोल रहा है कि इट कैन स्विंग इट्स हेड इवन द साइट ऑफ अ मूविंग स्टिक और अ पीस ऑफ क्लोथ. अब कोई भी चीज़ जैसे कि वो कोई कपड़ा हो या कोई स्टिक मतलब डंडा हो, अगर हम स्नेक के सामने अगर हिलाएंगे, अगर उसे मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, फन को उठा लेगा अपना, मतलब अपना हेड को उठा लेगा और ऐसे मूव करने लगेगा, मींस डांस करने लगेगा. टू फाइंड आउट वेदर अ स्नेक कैन हियर और नॉट, अ साइंटिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. यहाँ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेक को सुनाई देता है कि नहीं, तो हम एक एक साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट ने कंडक्ट मतलब एक साइंटिस्ट ने क्या करेंगे, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट है वो किया है कि इसे पता करने के लिए कि सांप को सुनाई देता है या नहीं. फर्स्ट इज ही bandaged a snake's eye and played the flute in a room. The music of the flute had no effect on the snake. तो यही पता करने के लिए इसने ताकि स्नेक को सुनाई देता है या नहीं, तो साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उसने क्या किया, फर्स्ट उसने क्या किया, कोबरा के आँख पर क्या करी, एक कपड़े से उसके आइज को क्या कर दिया, बैंडेज मीन्स ढक दिया, मतलब उसकी आँखों पर क्या करी, पट्टी को एक लगा दिया और उसके एक कमरे में रख दिया और वहाँ क्या करे, फ्लूट बजाए, मतलब जब उसने बीन बजाई तो बीन की जो आवाज़ थी, मतलब जो फ्लूट की जो आवाज़ थी, कोबरा पर क्या हुआ, कोई इफ़ेक्ट उससे नहीं पड़ा, मतलब कोबरा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, फ्लूट मतलब बीन की आवाज़ बज रही है, वो स्नेक चार्मर क्या है अपनी फ्लूट बजा रहा है, बीन बजा रहा है, बट क्या हुआ, स्नेक को कोई इफेक्ट नहीं किया क्योंकि स्नेक के आई पे क्या था, हमने कपड़े से ढक रखा था. सेकेंड देन ही पुल्ड अ कॉक कैप्ट ऑन द फ्लोर ऑन द रूम, द स्नेक इमिडिएटली रेज्ड इट्स हुड. फिर उसने क्या किया, उस कमरे में जमीन पर एक रखी हुई क्या थी, फ्लोर द रूम पुल्ड अ कॉट कैप्ट, कॉट मीन्स जो खटिया था उसको क्या करा, खटिया रखा होता उसको घसीटा, तो फिर तुरंत स्नेक ने क्या किया, अपना जो हेड है वो उठा लिया, फन को उठा लिया. He then removed the bandage from the snake's eye and pretended to play the flute in front of the snake. The snake started swinging to the movement of the flute. फिर क्या किया, वो कोबरा के आँख से पट्टी को हटा दिया और फिर
बिना जो जिसमें आवाज़ नहीं आती थी, जिस फ्लूट में मतलब बिना आवाज़ वाली जो बीन थी उसके क्या किया, स्नेक के सामने उसको हिलाने लगा, मतलब उसमें कोई म्यूजिक नहीं था, वो बिना आवाज़ वाली बीन थी उसको क्या करा, उसको बजाने लग गया और हिला रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे सांप के सामने। तो स्नेक ने क्या किया, कोबरा ने अपना भी हेड को उठा लिया, फन उठाकर वो भी उसके साथ मूव करने लगा। ही कंडक्ट द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ स्टिक इंस्टेड ऑफ अ फ्लूट, द स्नेक स्टिल मूव्ड इन द सेम वे। और यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, बीन की जगह, फ्लूट की जगह एक डंडा लिया, स्टिक लिया, और वो भी स्नेक के सामने क्या करना, मूव करने लगा। तो उससे भी क्या हुआ, स्नेक क्या करने लगा, मूव करने लग गया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चंस सोचना है, बताना है। डू स्नेक्स डांस टू द ट्यून ऑफ द फ्लूट, क्या जो स्नेक होता है वो बीन की आवाज़, मतलब जो फ्लूट की आवाज़ सुनकर ही नाचता है? नो, एक्चुअली एक क्या है, अभी हमने पढ़ा कि जो स्नेक होता है उनको सुनाई नहीं देता, वो क्या समझते हैं, जो बीन है वो थ्रेट है उनके लिए, उनके लिए खतरा है, इसी वजह से क्या करते हैं, वो तुरंत अपना हेड उठा लेते हैं, एंड जैसे जैसे वो बीन मूव होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना भी वो हेड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर वो बीन की जगह कोई स्टिक, कोई कपड़ा भी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें भी वो क्या करते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं, कौन, स्नेक। When farmers and laborers go to the jungle, they carry with them a stick or a long staff. This they bang on the ground while walking. People believe that by banging the stick or the long staff on the ground, the snake senses danger and moves away from there. क्या होते हैं, फार्मर्स और जो लेबर्स होते हैं, मतलब किसान और जो मजदूर होते हैं, जब वो जंगल में जाते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, एक लाठी, मीन्स लाठी मीन्स एक स्टिक, और नहीं तो एक डंडा रखते हैं, एक लॉन्ग स्टफ क्या करते हैं, डंडा या लाठी रखते हैं, और उससे क्या करते हैं, ज़मीन पर क्या करते रहते हैं, बैंग मीन्स ज़मीन पर वो डंडे को ठोक ठोक कर, मतलब आवाज़ कर 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 के चलते जाते हैं। इससे क्या है, पीपल बिलीव दैट मीन्स लोगों का वहाँ मानना है कि अगर हम ज़मीन पर लाठी या स्टिक्स, मतलब स्टिक से अगर हम ठोकेंगे ज़मीन पर, तो क्या होगा, सांप को पता चल जाएगा कि थ्रेट है और वो यहाँ से क्या हो गया, दूर हट जाएंगे। इससे क्या होता है, उनको भी क्या होता है, वो अपनी सेफ्टी के साथ वो स्टिक लेके चलते, ताकि अगर उनके पैर के नीचे अगर सांप आ जाएगा तो उन्हें काट लेगा, इसी वजह से एक स्टिक लेके चलते, ताकि वो जंगल में जा रहे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते वो स्टिक से ऐसे ज़मीन पर आवाज़ करते करते ठोकते ठोकते जाते हैं, जिसकी वजह से अगर स्नेक होगा भी तो वो डर के वहाँ से चला जाएगा। Can the snakes hear the banging of sticks on or long staffs on the ground? Find out from the farmers in your village. ज़मीन पर जो लाठी और जो डंडे होते हैं, लॉन्ग स्टफ या स्टिक को ठक ठक के करने से क्या होता है, स्नेक क्या करके कुछ पता चलता है इस बारे में, क्या बोल रहे हैं, अपने विलेज में मीन्स अपने गांव में फार्मर से, मतलब किसानों से पता करना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ स्नेक्स, मतलब सांप के कितने काइंड्स, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। स्नेक्स आर ऑफ टू काइंड्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। सांप क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉइजनस मीन्स जहरीले सांप होते हैं, नॉन पॉइजनस मीन्स जिनमें जहर नहीं होता, मतलब वो जहरीले नहीं होते हैं। तो स्नेक्स कितने काइंड्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। द स्नेक ऑन बाइटिंग अ पर्सन इंजेक्ट पॉइजन इन टू हिज बॉडी थ्रो इट्स टीथ विच इज हॉलो लाइक दैट अ नीडल ऑफ एन इंजेक्शन इन द अपर जॉ, देयर आर टू पॉन्चेस ऑफ पॉइजन। अगर अगर कोई हमें स्नेक काटता है, बाइट करता है, तो क्या होता है, उसके बॉडी में क्या होता है, स्नेक के जो बॉडी होता है उनके टीथ के थ्रू, मतलब उनका जो दांत होता है उनके उनके ही ज़रिए क्या होता है, वो हमारे बॉडी में क्या होता है, जहर को डाल देता है। जो स्नेक होते हैं उनके टीथ में क्या होते हैं, जहर होते हैं, पॉइजन होता है, और उसके दांत क्या होते हैं, एक इंजेक्शन की सुई के जैसे होते हैं। जब जो सांप होता है उसके जो माउथ होता है उसके अपर जॉ, मतलब ऊपरी जो जबड़ा होता है सांप के मुंह में, जो ऊपरी जो जॉ होता है उसमें क्या होता है, जहर के दो क्या होते हैं,
पाउचेस होते हैं, पाउचेस मीन्स थैलियाँ होती है। स्नेक के अगर माउथ को अगर ओपन करेंगे तो उसके जो अपर जॉ मतलब ऊपर जो जो क्या बोलते हैं जबड़े होते हैं उसमें दो पाउचेस होते हैं किसकी, जहर के। उसी के थ्रू क्या करते हैं वो, जब ह्यूमन मतलब इंसानों को काटते हैं या किसी भी एनिमल्स को काटते हैं तो उनके दांत एक इंजेक्शन की तरह होते हैं, जैसे ही काटते हैं तो वो काटते हैं एंड वो जो जहर होता है उनके दांतों से हमारे बॉडी में आ जाता है। व्हेन पॉइजनस स्नेक्स बाइट द इंजेक्ट पॉइजन इनटू अ पर्सन्स बॉडी दैट पॉइजन कैन एट टाइम बी फैटल। अगर कोई हमें पॉइजनस स्नेक जब काटता है तो क्या होता है, वो अपना जो जहर होते हैं वो जहर को क्या करते हैं हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब किसी पर्सन के मतलब डाल देते हैं। लेकिन इतने लेकिन क्या होता है इनके काटने से फिर क्या होता है हो सकता, लेकिन जो जहर हो जो पॉइजन होता है वो कई बार क्या होता है जानलेवा भी हो सकता है। देयर इज नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नेक। और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें जहर नहीं होता है, दे ओनली बाइट व्हेन दे आर टीज्ड बट दे आर बाइट नॉट फैटर। और ये उनको छेड़ने पर ही मतलब उनको टीज करने मतलब उनको छेड़ने पर भी पर ही जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं मतलब जो बिना जहरीले वाले सांप होते हैं वही काटते हैं जब उन्हें छेड़ा जाता है। लेकिन इनके जो काटने से क्या होता है कोई पर्सन की क्या होती है मौत नहीं होती है, मतलब डेथ नहीं होती है। लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनस स्नेक्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब हम पिक्चर की हेल्प से नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने में मदद करेंगे। ये है नॉन पॉइजनस स्नेक मतलब बिना जहरीले वाले स्नेक्स हैं, ग्रीन स्नेक, पाइथन, पिटपिटी एंड वाटर स्नेक्स। ये क्या होते हैं बिना जहरीले वाले स्नेक्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पॉइजनस स्नेक्स मतलब जहरीले सांपों के बारे में। कोबरा द ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड स्नेक कैन बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स हुड। इट इज़ द डेडली स्नेक। पूरे क्या होता है हमारे इंडिया में पूरे इंडिया में क्या होता है पाए जाने वाला ये क्या होता है ब्राउनिश काले रंग का मीन्स ब्राउनिश मीन्स भूरे काले रंग का क्या होता है भूरे काले रंग का क्या होता है ये सांप होता है। और ये जो सांप होता है ये जो स्नेक होता है अपने हुड मीन फन की वजह से आसानी से क्या होता है हमें पहचाना जा सकता है। इनका जो फन होता है मतलब हुड होता है इनकी वजह से इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या है कोबरा है। और ये क्या है फन की ये और एक तेज तर्रार क्या होता है सांप होता है। इट इज़ द डेडली स्नेक। और ये क्या है बहुत ही डेडली स्नेक है मतलब इनके इसके काटने से क्या होता है बहुत से लोगों की जान जा सकती है। द सिम्टम्स ऑफ कोबरा बाइट्स आर अ फॉलोअर्स। कोबरा के काटने से जो हमारे बॉडी में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो बताया गया है। फर्स्ट इज द बिटन प्लेस गेट स्वोलन एंड समटाइम्स देयर इज अ वुंड। क्या होता है जब बॉडी में ये काटता है तो उस जगह पे क्या हो जाती है स्वोलन मीन्स सूजन आ जाती है और कभी कभी क्या होता है वहाँ वुंड मीन्स घाव हो जाता है। द बिटन पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सी एंड हीज हैंड्स एंड फीट स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। और क्या होता है जो बिटन पर्सन मतलब जिस पर्सन को स्नेक काटा हुआ रहता है उसको क्या होता है देखने में भी क्या होती है प्रॉब्लम होती है मतलब डिफ़िकल्ट होती है देखने में भी। और उसके क्या होते हैं हाथ पैर मतलब कोई भी हो उसके हाथ पैर क्या करते हैं लड़खड़ाने लगते हैं फिर ट्रैवलिंग मीन्स लड़खड़ाने लगते हैं। थर्ड इज़ द टंग थिकनेस एंड द पर्सन फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू स्पीक। फोर्थ स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। क्या हो जाती है उनकी जो टंग हो जाती है वो क्या हो जाती है थिकनेस मीन्स मोटी हो जाती है और उनको क्या होता है बोलने में भी क्या होती है बहुत डिफिकल्टी होती परेशानी होती है। और मुंह से क्या होता है झाग आना शुरू हो जाता है एंड क्या होता है उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील स्लीपी एंड फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ। और क्या होता है किसी पर्सन को स्नेक कोबरा जब बाइट करता है तो क्या होता है उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आती है और उसको ब्रीथ में सांस लेने में बहुत क्या होता है डिफ़िकल्टी होती है। ये पढ़ा हमने कोबरा के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे करैत ऑरिडिनरी करैत।
The crate comes out at night. It is extremely shiny and has these white diagonal strips. Apart from this, it has a row of hexagon-shaped scales. They lie beneath stones between bricks in brick kilns in the piles of firewoods and cow dung cakes kept in the fields. ये क्या होते करत होते एक क्या होते नाइट स्नैक होता है मतलब ये रातों रात में बाहर निकलते हैं ये जो स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं रात के टाइम पे बाहर निकलते हैं और ये क्या होता है इट एक्सट्रीमली शाइनी मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होता है शाइनी होता है मतलब चमकीला होता है और इसके बॉडी पर क्या होता है वाइट कलर की क्या होती है डायगोनल स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ वाइट वाइट ये जो है वाइट वाइट क्या होते हैं स्ट्रिप्स बनी होती है और इसके अलावा क्या होते हैं इसके पीठ पर क्या होता है डायगोनल आकार के डायगोनल शेप के एक क्या बने होते हैं स्केल्स रहते हैं इनके और इनके बॉडी में क्या होते हैं हेक्सागोन शेप्ड के क्या होते हैं शल्क बने होते हैं और ये क्या करती है दे लिव बीनीथ स्टोन्स और ये क्या होते हैं पत्थरों के नीचे और बिटवीन ब्रिक्स एंड ब्रिक किल्स मीन्स ईंटों जो ईंट के जो भट्टे होते हैं मतलब ईंट जहाँ बनाते हैं उनके नीचे और नहीं तो इन द पाइल्स ऑफ द फायरवुड्स एंड काउडंग केक्स कैप्ट इन द फील्ड्स ये तो खेत वगैरह में रहते हैं जहाँ जो लकड़ी है जलाए होते हैं फायरवुड में तो जलाऊ लकड़ियाँ होते हैं काउडंग होते हैं कंडे होते हैं आदि रखे जाते हैं जहाँ रखे जाते हैं वहाँ पर ये रहते हैं नेक्स्ट इज द सिम्टम ऑफ इट्स पॉइजन इज मोर और लेस देन सेम एज दैट ऑफ अ कोबरा इनका जो इनके जो जो जहर का जो सिम्टम होता है वो क्या होता है कोबरा के जैसे ही होता है बट एक्सेप्ट दैट देयर इज नो स्वेलिंग और वुंड एट टाइम्स द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट एंड सडनली देयर पेशेंट फील्स रेस्टलेस वंस द पॉइजन ऑफ करेत रीचेज द बॉडी द विक्टिम एक्सपीरियंस सेव पेन इन द स्टोमक एंड ज्वाइंट्स फॉलोड बाय वॉमिटिंग्स और क्या होता है लेकिन क्या होता है करेत के जो काटने पर क्या होता है वुंड मीन्स घाव नहीं होता और ना ही क्या होता है स्वेलन मीन्स सूजन नहीं आती है करेत के काटने से लेकिन करेत के काटने पर क्या होता है कई बार जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी देर के बाद दिखाई देते हैं लेकिन अचानक ही क्या होता है जो पेशेंट होता है जिसको सांप काटा रहता है वो क्या होने लगता है परेशान होने लगता है रेस्टलेस हो जाता है और इसके काटने पर क्या होता है स्टमक में मीन्स पेट में और शरीर मीन्स जो बॉडी में क्या होता है बॉडी के जॉइंट्स में क्या होता है जोड़ों में क्या होता है काफ़ी दर्द होता है और जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है फॉलोड बाय वॉमिटिंग्स मत वो जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है वॉमिटिंग उल्टियाँ होने लगती है करेक्ट नॉर्मली बाइट्स एट नाइट बिकॉज द सिम्टम्स अपियर वेरी लेट द पेशेंट एट टाइम्स गो अननोटिस इट इज सेड दैट अ पर्सन बिटन एट नाइट बाय द स्नेक डज नॉट लिव टू सी द मॉर्निंग सन हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज अ मस्ट क्या होता है करेत के काटने से जो करेत का जो काटने का जो ज़्यादातर जो केसेस होता है जो ज़्यादातर जो मामला होता है वो क्या होता है रात में ही होता है क्योंकि रात में निकलते हैं ये स्नेक्स तो रात में ही जब काटते हैं रात में ही ज़्यादातर ये काटते हैं और अपेयर्स वेरी लेट द पेशेंट एट टाइम्स टू गो अननोटिस और क्या होता है इसके काटने पर क्या होता है इसका जो सिम्टम्स है वो जल्दी तो दिखाई नहीं देता उससे क्या होता है जो पेशेंट होता है उसका ध्यान भी नहीं जाता मतलब उसको पता भी नहीं चलता है और ऐसा कहा जाता है कि जब नाइट के टाइम पे जब ये स्नेक काटता है किसी भी पर्सन को तो वो सुबह का सूरज क्या होता है नहीं देख पाता इसलिए क्या है तुरंत ही मीन्स इमिडिएटली ये ट्रीटमेंट के लिए मतलब तुरंत ही हमें क्या होना चाहिए सतर्क हो जाना चाहिए और उसका तुरंत ही इलाज करवाना ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वाइपर स्नेक के बारे में वाइपर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 meter लॉन्ग एंड हैज अ लॉन्ग फ्लैबी बॉडी जो वाइपर होता है वो एक लंबा एक मीटर लंबा स्नेक होता है और इसका जो बॉडी होता है फ्लैबी बॉडी मीन्स थुलथुला क्या होता है इसका बॉडी होता है इट इज लाइट येलोविश ब्राउन कलर्ड एंड हैज अ चेन ऑफ राउंड रिंग्स ऑन इट्स बॉडी ये क्या होता है हल्के पीले भूरे रंग का स्नेक होता है और इसके बॉडी पर क्या होता है राउंड रिंग्स के जैसे चेन बनी हुई होती है एंड इट हैज़ अ पॉइंटेड हेड एंड अ थीन नेक और इनका क्या होता है जो हेड होता है जो सर होता है वो नुकीला होता है और इसका जो गर्दन होता है वो एकदम क्या होती है पतली होती है इट इज़ अ लेजी एंड लाइज कोइल्ड
कॉइल्ड अप इन वन प्लेस. ये क्या होता है, बहुत ही लेजी स्नेक होता है जो एक जगह क्या करता है, कुंडली मारकर पड़ा रहता है, बैठा रहता है. इट बाइट्स फार्मर्स वैन दे वर्क इन द फील्ड्स ड्यूरिंग मॉनसून्स. मैनी बाइट्स केसेस ऑफ वाइपर ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ सोयाबीन, मून, उरद एट्सेट्रा. इट्स कलर हेल्प्स टू इन कॉम्यूफ्लेज इन द ड्राइड लीव्स एंड क्रॉप्स. क्या होता है, जब जो फार्मर्स होते हैं, जब फसल का, जब क्या बोलते हैं, फील्ड का मतलब बरसात के टाइम पे जब वो फार्मर जब खेत में काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादातर उस टाइम पे ये काट लेते हैं सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि का जब एट्सेट्रा आदि का जब क्या करते हैं हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करने जाते हैं तो क्या करते हैं उस टाइम पे ये वाइपर क्या करते हैं काटने का क्या होता है ज़्यादा मामला आता. इसका इसका जो रंग होता है वो ऐसा होता है कि जो जो रंग इसका जो ऐसा होता है जो फसल और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें जो सूखे पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, उनकी तरह दिखाई देता है तो उसमें पड़ा रहता है. तो उससे क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता है कि वो स्नेक है वहाँ. द वाइपर्स पॉइजनस अफेक्ट द ब्लड. जो वाइपर के काटने से जो ब्लड में अफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. इट पॉइजनस टीथ आर बिग सो दे लीव्स आर डीप वाउंड. इसके जो जहरीले दांत होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए जो जहाँ काटा रहता है वो स्थान जो वो जगह पर क्या होता है बहुत ही गहरा घाव बन जाता है. द ब्लड फ्लोट्स आउट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वाउंड. और जो घाव रहता है जहाँ स्नेक काटा रहता है वहाँ से क्या होता है लगातार खून क्या होता है बहता रहता है. इफ़ टाइमली वैक्सीनेशन इज़ नॉट गिवन द अफेक्टेड पार्ट गेट्स इन्फेक्टेड. अगर समय पर वहाँ वैक्सीन मतलब अगर वहाँ दवाई या टीका वगैरह नहीं लगा तो जहाँ स्नेक काटा है वो जगह वो क्या होता है वो पार्ट क्या होता है पूरा पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है. नेक्स्ट पेज हम पार्ट टू में पढ़ेंगे.